करिए, कुछ सीख लीजिए। माननीय जगदीश चंद्र। माननीय सभापति, मुझे मांग संख्या 16 और 17 पे जो विचार रखने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट विषय है। भ्रष्टाचार की जिस तरीके से सीमाएं बढ़ रही हैं और जिस तरीके से व्यापक समाज में फैल रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार जब से बनी है दोबारा, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज राजस्थान के ACB डिपार्टमेंट के अंदर करीब 16 अधिकारी हैं, एक एडिशनल DG लेवल के अधिकारी हैं, 3 IG लेवल के हैं, 4 DIG हैं, करीब करीब 6 SP लेवल के, बाकी पूरा अमला जमला है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा लंबे चौड़े आंकड़े में नहीं जाऊँगा, आंकड़े राठौर साहब ने बड़े विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए हैं, आंकड़ों में इनकी मास्टरी भी है राठौर साहब की। ये मेरे जिले के रहने वाले हैं, मेरे रहने वाले, इसलिए आंकड़ों में इनके, मैं इनकी बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 2019 में 245 प्रकरणों का न्यायालय में चालान किया गया और 102 को चार्जशीट दी गई। 2020 में 239 का ट्रायल चल रहा है और 43 में जो है चार्जशीट दी गई है। और ट्रैप और रेड्स का जहाँ तक विवरण का सवाल है कि सर 2020 में अवैध तरीके से अपार संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसमें गजेटेड नॉन गजेटेड सारे अफसर उसमें शामिल हैं। करीब करीब 8 प्रकरण जो है वो गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ हैं और 9 प्रकरण वो नॉन गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ ACB ने दर्ज किए हैं। 2020 में ब्यूरो ने 313 प्रकरणों का जो रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकड़ गए, ट्रैप किए गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और करीब 70 गजेटेड और 243 नॉन गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। माननीय सभापति महोदय, पद का दुरुपयोग करने के संबंध में 15 गजेटेड और 19 नॉन गजेटेड अफसरों के खिलाफ कार्रवाई ACB ने की है। ACB अपने तरीके से राजस्थान में पिछले 3-4 महीने से जो ACB का अभियान चल रहा है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और ACB के तमाम अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता। पहली बार राजस्थान में 2018 के बाद में जब सरकार बनी है, और 2013-18 के बीच की चर्चा नहीं करूंगा मैं, वो आप भी जानते हो किस तरीके के राजस्थान का सबसे बड़ा माइंस का घोटाला इसी प्रदेश में हुआ था। ACB ने क्या कार्रवाई की वो भी आपके सामने है। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, नेता उपनेता हमारे यहाँ बैठे प्रतिपक्ष के दिल्ली में जो CBI एक संस्था हिंदुस्तान की, सारी की सारी स्टेट, सारी की सारी संस्था उस पर ट्रस्ट करती हैं। पिछले 6 महीने से CBI में स्थाई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाई भारत सरकार, तो और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और इसी सरकार के CBI में जो डायरेक्टर थे अस्थाना साहब, जिनके खिलाफ गुजरात में क्या था, किस तरीके से उठाकर उनको दिल्ली में बनाया गया था, ये भी पूरा देश जाना है, मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं इसके बारे में। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ सभापति महोदय, जो 2018 में जो संशोधन किया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के में, जो संशोधन किया है धारा 17 जो है उसमें, उसके बारे में सैंक्शंस का, नॉन सैंक्शन का, डिपार्टमेंट के हेड से जो परमिशन लेने की बात थी उसमें दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता है। आज डायरेक्ट ACB में कोई कंप्लेंट करता तो ACB का जवाब ये होता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सिर्फ पैसे के लेने देने के मामले में दर्ज करते हैं मुकदमा, आय से अधिक संपत्ति के व्यक्ति के बारे में मामले मुकदमा दर्ज करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। सवाल इस बात का है कि भारत सरकार के राज्य सरकार के बारे में कानून बना सकती है, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फेडरल सिस्टम पे एक और अटैक किया गया 2018 में, जिस तरीके से कृषि कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार का अधिकार छीन के कानून बनाएगा, उसी तरीके से जो एंटी करप्शन का जो कानून है ये स्टेट के हिस्सा है, स्टेट का पार्ट है, इसलिए इसमें स्टेट सरकार को राज्य को इसमें परिवर्तन करके संशोधन में संशोधन करें इस कानून में, ताकि प्रभावी ढंग से ACP काम कर सके। ACB का मायना कि राज्य सरकार के जो लोक कल्याणकारी नीति है, जनता में एक संदेश जाए कि ईमानदारी और पारदर्शिता सरकार राजस्थान में काम कर रही है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़े। एक करप्शन है, करप्शन एक सामाजिक बुराई है, ये व्यक्ति विशेष का मामला, कोई व्यक्ति करप्ट हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, एक संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, इस पे अंकुश लगाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ये जुरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल हैं। अगर किसी चीज में अगर जस्टिस डिले किया जाता है, जस्टिस डिनाई करने की श्रेणी में आता है,
इसलिए सरकार को इस पर विचार करके इस एक स्पीडी ट्रायल की शुरुआत करें ताकि मामले को कम से कम अंतिम छोर तक हम ले जा सकें। पिछले साल डेढ़ साल के अंदर जिस तरीके से शुरुआत राजस्थान सरकार ने करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी थी कि हम बिल्कुल एक ई गवर्नेंस के माध्यम से जो डिजिटल वॉइस लॉगर की जो आपने स्टाफ जो घोषणा करी, जो बढ़ाने की बात करी है, जो एसएमएस के जरिए जो करप्शन को पकड़ने की बात करी है, निचले स्वागत योग्य है। मैं समझता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक ही जरिया है करप्शन को पकड़ने का, बाकी तो कोई जरिया ही नहीं आपके पास में, क्योंकि जैसे ही एसीबी का डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता कहीं ना कहीं से न्यूज पेनिट्रेट हो जाती है। इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के नीचे का सबोर्डिनेट स्टाफ कहीं ना कहीं इस बात की सूचना कर देता है कि सब आज आपके रेड पड़ने वाली है, जो भ्रष्ट व्यक्ति वो विजिलेंट हो जाता है। तो प्रभावी तरीके से सरकार की मंशा पे शक नहीं किया सकता, सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो रेड करने के बाद में जो सैंक्शंस की बात आती, जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात है, उसमें जो डिले है वो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि पिछले लंबे समय से एसीपी का जो ढांचा है, ये ढांचा भी मेरे हिसाब से अभी इसमें स्ट्रक्चर की कमी है। जिस तरीके से एसीबी को एक्टिवेट करना चाहिए, सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा, माननीय धारीवाल साहब बैठे हैं, आप बिल्कुल मॉडर्न तरीके से भारत सरकार का जो काम करने का तोड़ तरीका है उसके जरिए पे नहीं करके आपको अलग से एस्टेब्लिशमेंट डेवलप करना पड़ेगा राजस्थान के अंदर, अलग से आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से एसीबी को एक्टिव करना पड़ेगा। अब यही तो व्यक्ति, यही तो पुलिस के लोग हैं, ये एसीबी के लोग हैं, पुलिस में से एबीसी एसीबी के लोग जाते हैं। जब सरकार बदलती है, जब सरकार जो सरकार में जो पुलिस अधिकारी जो मौजूदा पोस्टों पर बैठे हैं, जैसे ही सरकार बदलेगी वो तुरंत एसीबी के लिए दरखास्त लगाएंगे कि हम एसीबी में जाना चाह रहे हैं, तो वो उस अधिकारी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको कम से कम एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना के, जिस तरीके से आपने अलग ऑर्गेनाइजेशन बना, अलग से उसका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो, अलग से उसकी भर्ती हो, अलग से उसके लोग हो, ताकि वो ढंग से काम कर पाए, उसका प्रभावी ढंग से लोगों में एक संदेश जाए कि एसीबी ठीक ढंग से काम कर रही है। माननीय एसीबी के अधिकारियों ने, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे अधिकारी हैं सोनी साहब, जिन्होंने सीबी में भी काम किया है, ये सीबीआई को तौर तरीकों को भी जानते हैं, मैं जानता हूं इनको किस तरीके से काम करते हैं, इनकी नीयत ठीक है, काम करने का तौर तरीका ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नीचे का सबोर्डिनेट स्टाफ है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि उस पर कम से कम गौर करें, उस पर ध्यान देने की बात है। माननीय सभापति महोदय लंबे समय से आप चर्चा इस बात की कर रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान में अधिकारियों को नाम लिए गए थे, फला फला अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के बाहर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ जहाँ इन लोगों की सरकार है वो भी देखें उनसे कौन कौन सी सरकारों में क्या करा। मैं अगर गुजरात की बात करूँ आपसे, मैं हरियाणा की बात करूँ, एक हरियाणा में एक खेम का नाम का एक व्यक्ति का आईएएस अफसर है, इसी सरकार ने, हरियाणा की भी मौजूदा सरकार ने 6 दफा ट्रांसफर किया उसका, ईमानदार अफसर का, वो इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग उसकी कर दी गई कि वो ईमानदारी से काम कर रहा, सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो। सरकार के खिलाफ बोलना किसी की ईमानदारी पे शक नहीं कर सकते आप, लेकिन आपने एक मेला फाइल्ड इंटेंशन के माध्यम से कि सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने में वो कोशिश कर रहा है और उसका ट्रांसफर पोस्टिंग आप लोग कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार की जो नीयत है, राजस्थान के मुखिया का पहला एजेंडा था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को, और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रभावी ढंग से उस पर काम भी किया है, जिसके रिजल्ट भी सामने आपके आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एसीबी को और ज़्यादा ताकत देनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पे हम लोग अंकुश लगा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं जेल के बारे में दो तीन मिनट आपसे लूंगा। जहाँ तक जेल का सवाल है, 1955 का जेल मैनुअल एक्ट है, आज तक उसी ढर्रे पे चले आ रहे हैं। 1955 में क्या स्थिति थी जब एक्ट बना था, आज स्थिति क्या है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे सरकार इस पे विचार करे। जेलों की जो स्थिति है, जेल शहरों के बीच में आ गई है, गंगानगर की जैसे सेंट्रल हमारी जेल है, उसको शहर से बाहर करने की शिफ्ट की जरूरत है ताकि शहर में वो जगह कम पड़ रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो हीनियस क्राइम करने वाले जो मुलजिम जेलों में होते हैं, जो बंदी हैं, वो किस तरीके से वहाँ से ऑपरेट करते हैं क्राइम को, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब किसी हीनियस क्राइम के मुलजिम की जब पेशी होती है कोर्ट के अंदर, तो 50-50 पुलिस के सिपाही, 50-50 अफसर उसके साथ जाते हैं, और पूरा दिन पुलिस एक दिन एक व्यक्ति के पीछे पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। सरकार को चाहिए उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी की वो कोई व्यवस्था करे, ताकि किसी हीनियस क्राइम वाले मुलजिम को जेल के बाहर नहीं जाना पड़े, ताकि उसकी सुनाई वहीं कोर्ट का जो ट्रायल जाता है वहीं से उसकी सुनाई हो, उसके लिए निवेदन करना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ हाई सिक्योरिटी जेल की बात है, गंगानगर की सेंट्रल जेल गंगानगर बॉर्डर पे है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और राष्ट्रीय सीमा भी है, इसलिए वो जेल बहुत ही सेंसिटिव जेल है, बड़े बड़े क्राइम के लोग हैं वहाँ, कई बार तो वहाँ से मुलजिम को शिफ्ट करना पड़ता है, जोधपुर शिफ्ट करना पड़ता है, अलवर में शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं दूसरी जेल में शिफ्ट करना पड़ता है। आप कृपा करके एक गंगानगर में एक नई सेंट्रल जेल की सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा, एक नई सेंट्रल जेल बनाए, और बिल्कुल हाईटेक जेल जिसमें बंदियों का
जो जिस तरीके से जो कैपेसिटी बंदियों की है उसको एक मान्यता के आधार पर उसका हाथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महिला कैदियों की स्थिति क्या है, वहाँ शौचालय की स्थिति क्या है, पानी पीने की व्यवस्था क्या है, इसके साथ साथ एक वैल्यू बेस्ड कैदियों को उनको काउंसलिंग करने के लिए सरकार को एक एजुकेशन प्लान करना चाहिए ताकि उनको काउंसलिंग करे। जो अपराधी जो परमानेंट जो भाई आदत न अपराधी हो गए हैं, जो जिनका अपराध छूट नहीं पा रहा, मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक के जरिए इस चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत हमें फायदा हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज महिला दिवस भी है और हमारी महिला साथियों ने हमें कहा भी है कि स्पेशल सरकार को महिला दिवस पर करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर महिला कर्मियों की कमी है उनको पूरा करने का सरकार से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। मेरे सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थाना सादुल शहर हिंदुमल कोर्ट चूनावर्ड कोनी जहाँ पुलिस कर्मियों की भर्ती जो महिला पुलिस कर्मियों की जो संख्या नफरी है वो बहुत कम है। आपसे आग्रह करूंगा सरकार से कि उन थानों में को ध्यान में रखते उनको क्राइम को ध्यान में रखते, बड़े थाने हैं, बॉर्डर के थाने हैं उनको कृपा लगाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो सेंसिटिव जगह है, और दूसरा अबोरिया, ये दोनों बॉर्डर की जगह है जहाँ पुलिस चौकी स्टेब्लिश करने की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल्स आते हैं उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस पर जरूर ध्यान दे सरकार। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवान पुनिया।